क्योंकि नीतीश जी वहाँ बहुत ही परेशानी में है और परेशानी उनके चेहरे से झलक जाती है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश जी पहले चुके ऐसी स्थिति को झेलने के आदि नहीं रहे। जब जब ऐसी स्थिति आई है तब तक नीतीश जी ने कुछ निर्णय लिया है, तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसको देख करके लोगों के मन में यह शंका होती है कि नीतीश जी साथ फिर कोई नया निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार ने लालू यादव से दोस्ती कर जो पीएम बनने का सपना देखा है उनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने लालू यादव पर भी तंज कसा और साफ तौर पर कह दिया कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से दोस्ती केवल इसलिए की है ताकि वो अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना सके। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं जब भी नीतीश कुमार को देखता हूं मुझे दया आती है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। पहले क्या कुछ कहते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा, हम आपको वो सुनाते हैं। तो श्रद्धांजलि देने गए हैं, क्या इसके आप राजनीतिक श्रद्धांजलि देने पर की अगर बात है तो इसको कोई राजनीति से बहुत जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। श्रद्धांजलि कोई किसी की देता है और बड़े लोग जो भी हुए हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, भले उनके विचारों से हमारी सहमति न भी हो, फिर भी एक सम्मान का भाव, नमन का भाव उनके जाने के बाद होता ही है। तो इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए, इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन चर्चा हो रही है कि नीतीश जी फिर एनडीए की तरफ। देखिए, चर्चा इसलिए है ज़्यादा क्योंकि नीतीश जी वहाँ बहुत ही परेशानी में है और परेशानी उनके चेहरे से झलक जाती है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश जी पहले चुके ऐसी स्थिति को झेलने के आदि नहीं रहे। जब जब ऐसी स्थिति आई है तब तक नीतीश जी ने कुछ निर्णय लिया है, तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसको देख करके लोगों के मन में यह शंका होती है कि नीतीश जी साथ फिर कोई नया निर्णय लेंगे। लेकिन यह विषय उनका है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी। आज अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई, एनडीए की ओर से 40 जगह चुनाव लड़ना है, आप सब लोगों को मालूम है। उसमें एनडीए के अंतर्गत जितनी पार्टी है सब पार्टी अपने अपने हिसाब से बात करके तय करेगी कि कहाँ कौन पार्टी लड़े, लेकिन एनडीए को तो 40 में 40 लड़ना है। और हमारी पार्टी की कोशिश भी है, हमारा संगठन भी सब जगह मजबूती से खड़ा हो रहा है और 40 में 40 कैसे एनडीए जीते ताकि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी बैठे, यह हमारा विषय है और इस हिसाब से हम लोग काम। अपना वजूद पाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल तो 200 सीट की अपेक्षा रखती होगी ना। कांग्रेस गठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी होगी, बाकी पार्टियों की ओर से भी उम्मीदवारी होगी, लेकिन कहां कहां से कब उम्मीदवारी होगी, कितने सीटों पर उम्मीदवारी होगी, यह विषय जहां का विषय है वहां तय कर लें, उसके बाद पता पाएंगे। ये है वैसे में हम ये राष्ट्रीय लोक जनता दल का हम किसी पर्टिकुलर एक सीट की बात नहीं कर रहे, हम 40 में 40 कैसे लिए जीते, हम लोगों का इंटरनल मामला है कि कौन पार्टी कौन कौन सीट पर कहां कहां और कितने सीटों पर, इसको हम लोग तय कर। शहर के गेवाल बीघा स्थित गया संग्रहालय में राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिला अध्यक्ष राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा और प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुशवाहा और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र पासवान के द्वारा की गई। इस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती पर जमकर तंज कसा और लालू यादव पर हमलावर होते हुए ये कहते हुए नजर आए कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से दोस्ती अपने फायदे के लिए की है, ये दोस्ती सिर्फ इसलिए है ताकि लालू यादव अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनता देख सके। साथ ही उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं इस देश का पीएम बनने का, वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा, ये आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।